जी अस्सलाम वालेकुम, ज़ियाल मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ यूपीएन के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो सेक्टर डी है, और सेक्टर डी के अंदर जो डबल ए ब्लॉक है, डबल ए ब्लॉक के बारे में आज आपको बताना है, इन्फॉर्मेशन देनी है और लाइव विजिट कराना है आपको सेक्टर डी का और डबल ए ब्लॉक का। तो हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी जो मेन एंट्रेंस है मलकजा फार्म हाउस वाली, उसको क्रॉस करते हैं, मेन कनाल रोड के ऊपर ही ये है। जैसे हम मेन एंट्रेंस क्रॉस करते हैं, देन दूसरी जो एंट्रेंस है वो सेक्टर डी की है। सेक्टर डी के जैसे हम एंट्रेंस होते हैं तो हमारे लेफ्ट और राइट साइड पे डबल ए ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने आपको टोटली, मुझे बहुत सारे SMS वसूल हुए हैं WhatsApp के ऊपर कि हमें घर की वीडियोज़ वगैरह पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। तो आज हमने प्रॉपरली ए वीडियो बनाई है घरों की, घर की, के आप पूरे घर का व्यू देखें, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं और कैसा बना हुआ है, किसी ठेकेदार का बना हुआ है, किसी बिल्डर का बना हुआ है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ डबल ए ब्लॉक की ही बात करनी है, उसके अंदर कौन कौन सी सहूलत मौजूद है। तो चलते हैं, हम जैसे ही हम घर के पास पहुंचते हैं, जो आपको अपनी आपने अभी घर देखना है वो उसके पास ही अभी मस्जिद ज़ेर तमीर है, और इसके साथ ही बिल्कुल दो स्ट्रीट छोड़ के तीसरी स्ट्रीट के अंदर बीकन हाउस की ब्रांच है, और बीकन हाउस की ब्रांच के अपोजिट सबसे बड़ी पार्क है डबल ए ब्लॉक के अंदर। मार्केट के हवाले से बात करें, तीन चार स्ट्रीट छोड़ के आपके लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों पे ही मार्केट मौजूद है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो रैम्बो स्टोर है, मैकडोनल्ड्स है, और बड़ी जो मस्जिद है सरवर मस्जिद डबल सी ब्लॉक की, वो देन 5 मिनट की ड्राइविंग भी नहीं है, 2 मिनट की ड्राइविंग है। आप डबल ए से डबल सी में आते वक्त आप वो नमाज वगैरह की पाबंदी कर सकते हैं और नमाज अदा कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं आज उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं, कितने बेडरूम हैं, पुराना एलिवेशन है या न्यू एलिवेशन है, और कब का बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं इसकी एलिवेशन के ऊपर। एलिवेशन जो है वो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा कि पहले अलाउ नहीं था कि आप अपनी मर्ज़ी का घर नहीं बना सकते। अब बैरन ने 2018 के अंदर ये अनाउंस किया था कि आप अपनी मर्ज़ी का घर बना सकते हैं, प्लस एलिवेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पहले आपने 2017, 16 या 15 के अंदर विज़िट किया होगा बैरिया, तो आपको एक तरह के ही घर नज़र आएंगे, जैसे कि लाइक सफारी ब्लॉक है, बैरी होम है, या फिर देन सेक्टर डी के अंदर जो ब्लॉक हैं डबल ए डबल बी डबल सी, तो आपको एक तरह के ही घर नज़र आते थे। आज आपको मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, आपको मैं घरों की भी वीडियो दिखाऊंगा, जो कि इसके स्ट्रीट के अंदर दो तीन घरों की आपको वीडियो दिखाऊंगा, स्ट्रीट दिखाऊंगा कितनी फुट स्ट्रीट है, मेन बुलेवर्ड कितनी फुट है। तो हम इसकी एलिवेशन की बात कर रहे थे, तो एलिवेशन जो इसका है वो अभी न्यू एलिवेशन है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी का घर बना सकते हैं प्लॉट लेके। तो फिर भी जो नक्शा है वो मैप जो है वो बैरियर नहीं पास करना है। जैसे हम इसके एंट्रेंस जाते हैं घर के अंदर शुरू करते हैं, तो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो पहला ही है वो हमें पाउडर बाथरूम नज़र आएगा। पाउडर बाथरूम से जैसे हम मेन जाते हैं एंट्रेंस, तो हमारे देन टीवी लॉन्च है, बेडरूम है, किचन है, और अटैच बाथरूम है। तो जैसे हम ऊपर स्ट्रीट जाते हैं तो हमारे ऊपर बेसिकली 3 बेडरूम की अकामोडेशन है बहरिया टाउन के अंदर, किसी भी ब्लॉक के अंदर 5 मरला के हवाले से 3 बेडरूम की अकामोडेशन है। जैसे ही हम इसके ऊपर चलते हैं तो हमारे जो कि लेफ़्ट और राइट साइड पर दोनों ही 2 बेडरूम हैं और अटैच बाथरूम है, और विद इन किचन भी मौजूद है। 2 किचन हैं, 4 बाथरूम हैं, 3 बेडरूम की अकामोडेशन है, ऊपर सर्वेंट के लिए सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, ममटी बनी हुई है, लॉन्ड्री एरिया मौजूद है जहाँ पे आप कपड़े वगैरह धुल सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं तो मेन एंट्रेंस पे आते हैं, मेन की बैक पे ये घर है, और मेन के ऊपर 80 फीट रोड है, 80 फीट रोड के सामने हमारी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है। देन जैसे उसको क्रॉस करते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं सेक्टर ए बी और डबल बी डबल सी ब्लॉक की तरफ, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट की ड्राइविंग है सराय चौक से लेकर मैकडोनल्ड्स की तरफ। जैसे ही हम सराय चौक के पास पहुँचते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पर अलीमदार
क्रिकेट एकेडमी है जो कि इंटरनेशनल हमारे एम्पायर हैं उनकी एकेडमी है। यहाँ पे लोग आके सीखते हैं, बच्चों को एडमिशन कराते हैं अपना। तो जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो हमारे सबसे बड़ी जो मार्केट हेड जो है वो सेक्टर डी का, वो उसके अंदर हमें रैम्बो स्टोर है, मैकडोनल्ड्स है, मस्जिद मौजूद है, सबसे खूबसूरत पार्क मौजूद है और इसके अलावा मार्केट भी छोटी मोटी जो है वो हर चीज़ की मौजूद है, जैसे कि लाइक होटल्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट हैं, मोबाइल शॉप्स हैं। ये जो घर मैंने आपको बताया है सेक्टर डी के अंदर है। जैसे ही हम मेन एंट्रेंस से एंट्रेंस होते हैं सेक्टर डी की, वन मिनट की ड्राइविंग है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 4 AC लगे हुए हैं, 4 AC लगे हुए हैं, LCD लगी हुई है, पर्दे पहले से ही लगे हुए हैं। एंड जो हमारे क्लाइंट्स कस्टमर जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या पाकिस्तानी हैं वो देखते हैं जो AC लगाने होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है कि हम कहाँ से बंदा ढूंढ कर लाएँगे, कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें इस घर के अंदर मौजूद है। दैन गैस भी कनेक्शन हुआ हुआ है। आप जस्ट आपने सिर्फ और सिर्फ अपना सामान लेके आना है, जो कि आप बेडरूम वगैरह हैं वह हर चीज़ मौजूद है इसके अंदर। इसके अलावा जो साथ साथ घर हैं उनके भी आपको दिखाऊंगा मैं कौन कौन से घर वगैरह जर्मन है। घरों का बिल्कुल भी कोई अभी प्लॉट बाकी नहीं है सेक्टर डी के अंदर। सेक्टर डी टोटली ही डेवलप हो चुका है, लोग फैमिलीज के लिए मूव हो रहे हैं। इसके अलावा रेंट के ऑप्शन भी AA, BB, CC के अंदर बहुत कम मिलती हैं। अगर मिलती हैं तो उसका रेंट जो है वो 45 से मिलता है, 40 मिलता है, 45 मिलता है। तो सिक्योरिटी के हवाले से आपको, जैसे आप मेन एंटर से एंटर करेंगे, जब आपने सामान लाना होगा तो आपको NOC मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत सारी हम आपके साथ हैं। ट्रांसफ़र कराने के साथ साथ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा। Thank you.
थैंक यू सो मच नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी भाई को इस घर के हवाले से किसी किस्म की कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और इसकी डिमांड जो है वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। इस घर की जो डिमांड है 125 है, 1,25,00,000 रुपए और 4 एसी लगी हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं और एलसीडी भी लगी हुई है। जस्ट आपने अपना दूसरा सामान लेके आना है। तो थैंक यू सो मच नाजरीन, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसी तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे UPN के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।